हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस एंड वेलकम बैक टू दिस सी सेट डेली वीडियो सीरीज वेल आज की क्लास में एक और टास्क पढ़ेंगे आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ऑलरेडी मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ चुके हैं और एक अच्छा माइंड सेट आपका बन चुका होगा अब तक वेल well, स्टार्ट करते हैं लेट अस सी सो मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश करो कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो क्वेश्चन को पढ़ने का फायदा क्या होगा कि आपको ये आइडिया हो जाता है व्हाट टू लोकेट राइट एंड व्हाट टू फाइंड आउट जिससे कि आप स्कीमिंग स्कैनिंग के थ्रू स्कीमिंग और स्कैनिंग के माध्यम से पैसेज के अंदर एक तो आपको ये पता होता है कि आपको कौन से फैक्ट्स फाइंड करने हैं और आपको दूसरी चीज लोकेट करने का आइडिया मिलता है थ्रू स्कैनिंग सो so, दोस्तों अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए इस कॉम्पिटिशन के ऊपर बेस्ड द क्वेश्चन जो लगता है कि इवन कोई प्रूफ गिवन नहीं भी है येट इट इज समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है इस पैसेज को पढ़ने से ये क्लैरिटी हमें मिलती है राइट right? तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम रीड आउट करें फर्स्ट ऑप्शन से जुनोम एडिटिंग डस नॉट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ठीक है कि बात हुई यहां पे जुनोम एडिटिंग की विच मींस डेफिनेटली पैसेज इसी के ऊपर बेस्ड होगा जिनॉम मोडिफिकेशन या जिनोम एडिटिंग के ऊपर तो ये कह रहा है कि एडिटिंग करने के लिए जीनोम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती किस चीज की ट्रांसफर करने के जींस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में तो आपको यही चीज एंश्योर करनी है पैसेज में क्या डेफिनेटली ऐसा है कि प्लांट से दूसरे प्लांट तक जींस को ट्रांसफर नहीं किया जाता जीनोम एडिटिंग के अंदर दूसरा थ्रू जीनोम एडिटिंग द चोजन जीन्स कैन बी अधिकली इन अ मैनर टू द नेचुरल प्रोसेस कि एडिटिंग के थ्रू क्या होता है जो चोजन जीन्स होते हैं मतलब जो इन्फेक्टेड होंगे या जो भी होंगे वी विल रीड आउट ठीक है वो प्रिसाइसली कुछ इस तरह से उनको रिलेट किया जाता है या इस तरह से उनको नेचुरल प्रोसेस में ढाल दिया जाता है जिससे कि दैट हेल्प्स प्लांट टू अडाप्ट टू दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिससे कि प्लांट अडाप्ट कर लेता है खुद को मॉडिफाई कर लेता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ मतलब वो नेचुरल बिल्कुल उनके जैसे सिमिलर प्रोसेस के अंदर आ जाता है तो ये कहते हैं कि जिनोम एडिटिंग इस चीज में हेल्प करती है तो आपको ये भी जानना है कि ये चीज फैक्ट ठीक है या नहीं दूसरा आपको देखना है कि जिनोम एडिटिंग के अंदर क्या जींस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है या नहीं किया जाता राइट उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर सकते हैं अपना तो चलिए दोस्तों पैसेज को रीड आउट करते हैं सो द पैसेज पैसे जिनोम एडिटिंग देखो बिगिनिंग में ही जिनोम एडिटिंग वर्ड आया जिससे आपको इसके सारे फैक्टर्स पता लगने वाले हैं राइट

उट करना जिसको की वर्ड ट्रांसफर्ड तो लिखा, लिखा है ठीक है जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर था तो ट्रांसफर्ड वर्ड नहीं लिखा चेंज लिखा गया फिर भी आगे पढ़ते हैं तो उसको कैसा बना दिया जाए लेस वेबल टू डिसीज तो बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा हो रहा है राइट या फिर रिसिस्टेंट टू सर्टेन हर्बिसाइड्स या फिर उसके लिए वो रेसिस्टेंट बन जाए मतलब स्ट्रॉग इनफ हो जाए कि उससे उसको इफेक्ट ना पड़े जिसको आप लेस वोलरेबल डेफिनेटली कह सकते हैं और टू इंक्रीज यील्ड्स या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाए तो इन दो तीन बेनिफिट्स के लिए ऐसा किया जाता है अब इसके लिए करते क्या है रिसर्चर्स रिसर्चर्स यूज मोलिकुलर सीजर्स टू डिससेम एंड रिपेयर इट तो वो उसको कट डाउन करते हैं कट डाउन डिसेक्ट का मतलब होता है डिसेक्ट का मतलब होता है कट डाउन करना किसी भी बॉडी को या किसी प्लांट को या उसके कुछ पार्ट को तो वो कह रहे हैं कि सीजर्स को यूज करके रिसर्चर डिसेक्ट करते हैं जिनॉम को और उसको रिपेयर करते हैं दोस्तों अभी तक भी ट्रांसफर की बात नहीं आई ठीक है फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट विच इज अ प्रोसेस दैट अकर्स नेचुरली जो कि नेचुरली होता है व्हेन प्लांट्स आर अंडर अटैक फ्रॉम डिसीज एंड कैन थ्रू अप न्यू म्यूटेशंस दैट इनेबल द प्लांट टू सरवाइव फ्यूचर uh, अटैक्स तो मतलब क्या हो रहा है उसको रेसिस्टेंट बना दिया जाता है इस नेचुरल प्रोसेस के जरिए तो इतना नेचुरल प्रोसेस के साथ काम करता है जब इसको रिपेयर किया जाता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ डेफिनेटली ये उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है राइट right? ट्रांसफर की बात अभी नहीं हुई तो जब भी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगी तो अपने आप को ढाल लेगा अकॉर्डिंगली सो दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैन इफेक्टिवली बी स्पीड अप इस प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है स्पीड अप किया जा सकता है नाउ दैट इट इज़ पॉसिबल टू एग्जामिन प्लांट जिनॉम्स क्योंकि अब पॉसिबल हो गया है प्लांट जिनॉम्स को एग्जामिन करना उनको समझना इन डिटेल इन लेबोरेटरीज एंड क्रिएट मैकेनिज्म थ्रू विच द रेलिवेंट जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड वेरी प्रिसाइसली तो वही जीन्स uh, जो अफेक्टेड हैं उनको ऑल्टर किया जा सके ठीक है उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन को चेंजेस किया जा सके उनको रिपेयर किया जा सके जिससे कि आइदर बढ़े या फिर वो लेस vulnerable हो जाए so that in future diseases ना या फिर वो इतने resistant हो जाए कि सर्टेन herbicides के साथ वो फाइट कर सके तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि ट्रांसफर वाली बात नहीं हुई लेकिन second ऑप्शन डेफिनेटली आपका relevant आंसर होगा आई होप आप लोगों ने सही आंसर लगा लिया होगा स्टिल मुझे इंश्योर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर तो जीनोम एडिटिंग ड नॉट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ चीज फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर ऐसा डेफिनेटली नहीं चाहिए हमें ठीक है सॉरी ऐसा ऐसा हमें हमें चाहिए तो हमें चाहिए that means right? तो नहीं दैट मींस ये ऑप्शन ठीक है राइट तो क्रॉस मुझे यहां लगाना था सो जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर इट एक्चुअली ड नॉट रिक्वायर डेफिनेटली ऐसा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती विच मीनस ये बात बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो गया राइट right? सो थ्रू जीनोम एडिटिंग द चोजन जीन्स कैन बी उन्होंने कहा ना प्रिसाइसली उन्हीं जीन्स को सिलेक्ट किया जा सकता है इतने मैकेनिज्म आ चुके हैं लेबोरेटरी में इन डिटेल हम रिसर्च कर पा रहे हैं प्रिसाइसली इन अ मैनर टू अकेन नेचुरल प्रोसेस के साथ वो ढल जाए और कल को आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो रेसिस्टेंट हो स्ट्रगली फाइट कर सके तो पहली बात भी ठीक है और दूसरी बात भी ठीक है राइट right? तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन बोथ वन एंड टू तो आई होप आपको क्लियर हुआ समझ आया और क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो रहा था ठीक है मतलब फर्स्ट बात सही थी ऑप्शन ठीक हो रहा था कि रिक्वायरमेंट नहीं है मैं इसको रिक्वायर्स की फॉर्म में ले रहा हूं तो रिक्वायरमेंट नहीं है राइट right? इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि पैसेज में भी साफ था कि डेफिनेटली ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और सेम चीज यहां लिखी गई तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन तो साफ साफ पूरे पैसेज के अंदर डिटेल से आप डिटेल से जा नहीं पा रहे राइट right? दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पिछली वीडियोस आपकी छूट की हैं तो हर इवनिंग डेली सिक्स ओ क्लॉक वीडियोस अपलोड होती हैं राइट जिसमें और इंग्लिश के आरसी सब चीजें डिस्कस की जाती हैं प्रीलिम्स आपका बहुत पास है सी सेट के लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि लास्ट ईयर सी सेट ने काफी ब्लंडर क्रिएट किया आपके लिए राइट और ऐसी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक बनाना चाहते हैं आप इवेल्युएशन भी चाहते हैं आपकी प्री प्रीवेलुएशन हो जाए ताकि एग्जाम में एक परसेंट भी चांस ना रहे सी सेट में हार मानने का सीसेट की वजह से फेलियर को देखने का तो आप हमारे बैच फाइव को सीसेट के सक्षम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको कोर्स के साथ क्रोनोलॉजिकली स्ट्रेटेजिकल वे में पूरी की पूरी क्लासेस प्लस उनकी वर्कशीट्स होमवर्क असाइनमेंट टॉपिक टेस्ट और साथ में मोक टेस्ट भी प्रोवाइड होते हैं तो इससे आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन होती है कहा जाता है कि सफल अटेम्प्ट के लिए सफल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप जरा और सोचिए और हाँ नए साल का लगभग पहला महीना गुजर चुका है अगर अपनी रेजोल्यूशन को आप भूल रहे हैं तो प्लीज उनको रिकॉल कीजिए और जो आपके गोल्स थे जो सेट किए थे उनको परस्यू कीजिए फिर आपसे मुलाकात होगी थैंक यू वेरी मच